हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको कैपिटल गेन का रिपोर्ट लगेगा अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने क्रिप्टो करेंसी को सेल किया है तो डेफिनेटली आपको कैपिटल गेन रिपोर्ट लगेगा। बट जो भी प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन करते हैं, वहां से जो रिपोर्ट निकलता है वो निकलता है ट्रेडिंग रिपोर्ट। ठीक है, तो अभी सवाल यह आता है कि क्रिप्टो करेंसी जो ट्रांजेक्शन हमने किया हुआ है उसका कैपिटल गेन रिपोर्ट कैसे निकालें या फिर कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे करें। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको कैलकुलेट करना है। बहुत ही इजी प्रोसेस है, फटाफट आप कर पाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ वजीर एक्स का। यहाँ पे अगर आप रिपोर्ट निकालने जाएंगे ना प्रोफाइल में जाके, तो यहाँ पे ट्रेडिंग रिपोर्ट निकलता है। ठीक है, कैपिटल गेन रिपोर्ट नहीं निकलता। तो रिपोर्ट कैसा होता है पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ। जब भी आप रिपोर्ट निकालेंगे तो एक्सेल में कुछ ऐसा रिपोर्ट निकलता है, ये पहला पेज हो जाता है। इसके बाद एक्सचेंज ट्रेडर्स आपको दिख जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको बेसिकली बाई सेल दिख जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख जाता है टीडीएस वगैरह कितना कटा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली रेट निकाल दिया, तो 1% के रेट से बेसिकली टीडीएस कट होता है। बट जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको फ्लैट 30% के रेट से टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, अगर आप देखेंगे ना तो हमें बाई सेल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमें ये नहीं दिया है कि कितने में खरीदा और कितने में बेच दिया। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सेल वाला वैल्यू निकालू, अगर मैं यहाँ पे सेल निकालू सिर्फ, तो ये रहा सेल का अमाउंट। ठीक है, ये रहा सेल का अमाउंट। बट ये सेल के अमाउंट के सामने कितना अमाउंट का परचेस किया है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो यही पे प्रॉब्लम आती है कि हमको कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, तो कैसे करना है आइए देखते हैं। बट वीडियो में स्टार्ट करूँ इससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है बेसिकली, गूगल प्ले स्टोर पे बाइनॉक्स करके क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेटर ये आपको देखने को मिल जाता है, इसको आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, बाइनॉक्स क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेटर ये लोगो रहेगा, इसको सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, और इसको ओपन कर दीजिए। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। ठीक है, यही एक ऑप्शन मुझे दिखाता है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओपन करना है आपको, और जैसे आप ओपन करेंगे कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। आपको अकाउंट बेसिकली बना लेना है, आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वगैरह डाल के। बनाने के बाद यहाँ पे ना सारे प्लेटफॉर्म्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर वजीर का मैं आप लेता हूँ, फॉर एग्जांपल वजीर एक्स का आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो वजीर एक्स आपको सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे लिखेगा क्लिक टू अपलोड। क्लिक टू अपलोड क्या, जो ट्रेडिंग रिपोर्ट हमने डाउनलोड किया था ना वजीर एक्स के वेबसाइट से, वो आपको यहाँ पे क्लिक हियर करके अपलोड करना है। ठीक है, जैसे क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे जो रिपोर्ट आपने जनरेट की होगी वो रिपोर्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। जैसे ही अपलोड करेंगे आप सक्सेसफुली अपलोड करके आ जाएगा, आपको डन कर देना है। ठीक है, डन करेंगे तो कुछ ऐसा पेज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इंपोर्ट डेटा पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, इंपोर्ट करेगा पहले, उसके बाद रिकंसिलेशन होगा। जैसे ही रिकंसिलेशन हो जाएगा आपको क्या करना है, ये टैक्सेस वाला टैब जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका कैपिटल गेन आ जाएगा, कैपिटल लॉस आ जाएगा, इनकम आ जाएगा। इनकम मतलब जो चार्जेस वगैरह बोनस वगैरह रहते हैं वो आपको दिख जाएंगे, जो कि अदर सोर्स में दिखाना आएगा आपको। टीडीएस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से एसेट्स आपने बेचे वो भी आपको दिख जाएगा। अब किसी एक एसेट्स पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे नंबर ऑफ एसेट्स सोल्ड एंड बॉट यहाँ पे दिखेगा। बट मुझे नंबर से चाहिए, मुझे अमाउंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा एक्सपोर्ट रिपोर्ट पर क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है एंड ईमेल का ऑप्शन है, तो मैं सीधा डाउनलोड पे क्लिक करके मोबाइल में ही डाउनलोड कर लूंगा। आपका सवाल ये आता है कि इसका जो बाइनॉक्स है ना, इसका ना वेबसाइट भी है, तो आपने वेबसाइट पे क्यों नहीं बताया। तो वेबसाइट जो है प्रॉपरली नहीं चल रहा था, मैंने आज 2 दिन से ट्राई किया बट चल ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने मोबाइल के थ्रू यहाँ पे आपको बताया। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आप जैसे ही ओपन करेंगे तो कैसा ओपन होगा मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये कुछ एक्सेल आपको एक्सेल का रिपोर्ट ऐसा बना के देगा। ठीक है, ये फर्स्ट पेज हो जाएगा। इसके बाद कैपिटल गेन पे क्लिक करेंगे तो कैपिटल गेन अलग से आपको निकाल के दे देगा कि ये टोटल सेल वैल्यू है, ये टोटल परचेज वैल्यू है और ये आपका कैपिटल गेन है। ठीक है, कैपिटल लॉस भी आपको दिखा देगा कि दो पे आपको लॉस हुआ है, उसका भी सेल वैल्यू और बेसिकली परचेज वैल्यू दिखा देगा। बट अगर आपको वीडियो के बारे में पता होगा जो हम आईटीआर में शो करते हैं तो आईटीआर में तो हम लॉस शो नहीं करते, तो ये मेरे किसी काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद आईटीआर इनकम में ये देखिए कुछ बोनस वगैरह मिला हुआ है 13 रुपये का, वो 13 रुपये का बोनस आपका अदर सोर्स में आपको दिखा देना है। हमारा मेन है आईटीआर वीडीए, शेड्यूल वीडीए, शेड्यूल वीडीए आपको भरना पड़ता है। ठीक है, आईटीआर में तो ये रहा आपको शेड्यूल पूरा बना के दे दिया आपको, एक्विजिशन ट्रांसफर हेड कैपिटल गेन, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसिडरेशन ऑफ आपको प्रॉफिट, ये पूरा आपको निकाल के दे दिया। बस यही चीज आपको आईटीआर में डाल दी है। ठीक है, ये रिपोर्ट आपको वजीर एक्स या फिर कोई और प्लेटफॉर्म है ना क्रिप्टो करेंसी वाला उस पर ना नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपको ऐसे बेसिकली आपका रिपोर्ट ये जनरेट करना पड़ेगा। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कैसे आपको पीएनएल रिपोर्ट जनरेट करना है। ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही चैनल पर बने रहिए ताकि ऐसी ही वीडियोज आप देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।